बचे हुए थे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के व्हाट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में चलते हैं। लिख रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। यानी कि आपको बोल रहा है कि नंबर फाइंड करना है जिसका सम जो है 27 है और प्रोडक्ट जो है वो तुम्हारा वो आपका 182 है। तो अब क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट नंबर उसको आप लेट कर लेंगे, क्या एक्स लेट कर लेंगे, क्योंकि सम ऑफ नंबर कितना है 27 है। तो यदि फर्स्ट नंबर को एक्स ले लेंगे तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर यानी समथिंग दो नंबर का एडिशन जो है वो आपका कितना है 27 है। तो यदि एक्स एक नंबर एक्स है तो ये नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट क्या बोल रहा है 182 है, तो यहां लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिखेंगे और क्या लिखेंगे 182 लिखेंगे, किसका प्रोडक्ट यानी इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट। तो यहां लिखेंगे एक्स और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 182 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 27x हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना जाएगा 182 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारा क्या रहेगा कि इस वाले नंबर को उधर कर देंगे तो ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा माइनस 27x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना 182 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ेंगे कि प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे, 182 का क्या करेंगे फैक्टराइज करेंगे, तो कितना आ जाएगा फैक्टराइज करेंगे तो यहां पर आपका 2 से जाएगा तो यहां 9 हो जाएगा और यहां 1 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहां पर क्या जाएगा 13 से जाएगा तो 13 और 13 7 जा 91 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, हमारा 27 लाना है तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा और 13 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को ऐड करके देखिए क्या 27 आ रहा है, तो बिल्कुल 27 आ रहा है। तो अब यहां लाना है क्या, माइनस लाना है, तो आप इसमें भी माइनस पुट कर दीजिए और इसमें भी माइनस पुट कर दीजिए, क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई में तो एक्स एक इसमें बैठा दिए और एक एक्स इसमें बैठा दिए, तो ये वैल्यू क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो यानी इसके जगह पर ये वाला पुट कर देंगे, तो यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस 14x लिखेंगे माइनस 13x लिखेंगे और प्लस लिखेंगे 182 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे तो x यहां से कॉमन चल जाएगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 14 और यहां से 13 कॉमन चल जाएगा तो माइनस 13 लिख लेंगे और यहां x माइनस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्यों दोनों मैच कर रहा है तो आप लिख लेंगे x माइनस 14 और यहां हो जाएगा x माइनस 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे x माइनस 14 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, x इज इक्वल टू लिखेंगे 14 प्लस का और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 13। तो इस प्रकार से ये दोनों आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहां पर फर्स्ट नंबर कितना बोला था, x बोला था, तो फर्स्ट नंबर को यदि हम 14 रखते हैं तो यहां हो जाएगा 14 और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस क्या हो जाएगा 14, तो आंसर कितना हो जाएगा 13, यानी पहला फर्स्ट नंबर 14 सेकंड नंबर 13 हो जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर निकल गया।